देश में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ग्राम पंचायत पाली जनपद सांबा जम्मू कश्मीर के ग्राम सभा के बैठक में भाग लेंगे, जिसको देखते हुए पूरे देश के ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की वेबकास्टिंग व्यवस्था की गई है, जहां पर सभी ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी अपने अपने ग्राम सभा में बैठकर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखेंगे और प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे, जिसका शुभारंभ 11:30 बजे किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख भी शामिल होंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, सर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया, 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिन पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है वो लागू हुई थी। इस वर्ष ये विशेष तौर से खास आयोजन में तब्दील हुई इसलिए भी हो रहा है कि इस वर्ष आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके तहत जो है कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय जम्मू के सांबा सेक्टर के पाली ग्राम पंचायत में खुद जाकर के ग्राम सभा की खुली बैठक में शिरकत करेंगे और जिसका प्रसारण जो है लाइव टेलीकास्ट सभी ग्राम पंचायत में किया जाएगा। कल गोरखपुर की सभी 1294 ग्राम पंचायतों में खुली बैठक का आयोजन किया जाएगा। उस खुली बैठक में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लाइव टेलीकास्ट को दिखाया जाएगा और साथ ही साथ जो खुली बैठक में ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो UNO के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा जो सतत विकास गोल जो निर्धारित किए गए हैं उस सतत विकास गोल पर भी चर्चा होगी। इसके अंतर्गत 9 पॉइंट जो है सतत विकास गोल के वो ग्राम पंचायतों के द्वारा लिए जाना है, 9 थीम है, इसमें से किसी 3 थीम पर ग्राम पंचायत को मॉडल के रूप में विकसित किए जाने का संकल्प भी कर लिया जाना है और जिससे कि कल की बैठक में लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जो महात्मा गांधी का जो एक्चुअल सपना था कि जो ग्राम स्वराजगार का ग्राम जो स्वराज का जो सही मायने में सफल हो, ग्राम आत्मनिर्भर हो और कोई भी गरीबी उसमें ना हो, कोई भी लोग सभी लोग आत्मनिर्भर बने, इसके लेकर के जो है ग्राम सभा की खुली बैठक कराई जाएगी। जल की कोई समस्या ना हो, जो जल भराव की समस्या होती है, जल की जो संचयन की समस्या है, इस पर भी चर्चा होगी। तो कल की खुली बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। कल का ये दिवस जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसका जो है आयोजन पूरे गोरखपुर में बहुत ही धूमधाम से काफ़ी अच्छे से कराया जाएगा, जिसकी तैयारियाँ चल रही है।